करना चाहूंगी। लड़के की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है, लड़के की तरह लड़की भी माँ की गोद में हंसती रोती है। करते शैतानियाँ दोनों एक जैसे, करते मन मानियाँ दोनों एक जैसे। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्यों, बताइए मुझे। एक जैसे पैदा होते हैं, एक जैसे शैतानियां करते हैं, घर में एक ही जैसे आते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे समाज के लिए कि हमें ये कार्यक्रम क्यों करना पड़ रहा है। दो बातें मैं दो स्लैब में आपको बताऊंगी। एक होता है जो सृष्टि है, यहाँ पे बच्चे आप लोग पढ़ते हो, भूगोल पढ़ते होंगे आप। सृष्टि में दो चीजों से बैलेंस बना रहता है, एक है मानव और एक है प्रकृति। एक मानव है और एक प्रकृति है। मानव जिस समय औरत माँ बनने वाली होती है उस समय वो अपनी चाह या जो भी अपनी इच्छा से माँ बनती है, लेकिन जो गर्भ में शिशु है या बालिका है ये कौन निर्धारित करता है? प्रकृति। अगर हम इससे छेड़छाड़ करते हैं तो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाता है हमारी सोसाइटी के साथ, जो कि संभव नहीं होता है और वो अच्छा नहीं होता है। संभव नहीं होता है लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं? संभव बना रहे हैं। हमको इनसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। दूसरी, बेटी बचाओ, आप मुझे बताइए विश्व को सुंदरी देने वाला राष्ट्र कौन सा है? आप बताएंगे मुझे। विश्व को 2017 में विश्व सुंदरी देने वाला राष्ट्र कौन सा है? कौन सा है? भारत। फिर भारत ने सुंदरी दिया, सुंदर काया दिया। क्या आपने गौर किया सुंदर काया तो 136 और मैडम लड़कियों की थी। विश्व को सबसे पहली विश्व सुंदरी भी भारत ने दी थी। हाँ। जो सुंदर काया थी वो तो 136 बालिकाओं की थी ना, लेकिन उनमें से एक ही क्यों? क्योंकि सुंदर मन, जो तन से सुंदर मन से सुंदर। सैलरी किसकी अच्छी होनी चाहिए? किसने सुना मानुषी शिल्लर का स्टेटमेंट? किसने सुना है? कितने बच्चों ने जाना कि वो कैसे बनी विश्व सुंदरी? ऐसा कौन सा स्टेटमेंट था, आखिरी स्टेटमेंट, जो उसे विश्व सुंदरी का ताज पहनाने के लिए अग्रसर किया? उनसे प्रश्न किया गया था कि आपकी नजर में आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा सैलरी किसको दी जानी चाहिए? उनका उत्तर था कि मेरी नजर में सबसे ज्यादा सैलरी माँ को देनी चाहिए। माँ को रुपया पैसा नहीं, माँ को वो सैलरी उसकी डिग्निटी उसकी गरिमा के लिए देनी चाहिए, उसके सम्मान के लिए देना चाहिए। तो मैं अपने आप को प्राउड फील करती हूँ कि बीइंग अ फीमेल मैं इस धरती पे आई। अपने माता पिता का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं बहुत सारे बालक बालिकाओं को एक राष्ट्र निर्माण में सहयोग प्रदान करने के लिए तैयार करती हूँ, उनको सिविल सेवक बनाती हूँ। मैं इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करती हूँ अपने पेरेंट्स का। और एक लाइन अपने उद्बोधन का बोल के मैं इस उद्बोधन को समाप्त करना चाहती हूँ। अब जो किए हो दाता ऐसा ही कीजो, अब जो किए हो दाता ऐसा ही कीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो, अब जो किए हो।